रुड़की के ब्रह्मपुर जट गांव निवासी विधवा गीता मुफलिसी का जीवन गुजारने को मजबूर है। आलम यह है कि विधवा गीता के पति सुनील की 13 साल पहले मौत हो चुकी है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका जेठ शैलेंद्र हमेशा उसे मारता पीटता रहता है और उसे गोली मारने की धमकी भी देता है। यहाँ तक कि उसके तमाम जमीन और मकान पर भी कब्जा कर लिया है और वो अब बेघर है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। आज वो भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं जहां उसका अधिकारी भी साथ नहीं दे रहे हैं। महिला का आरोप है कि उसका जेठ शैलेंद्र सहारनपुर जिले के एक तहसील कानूनगो में पद पर तैनात है। मेरा पति एक किसान था जी, सुनील कुमार उनका नाम था और उन्हें 14 साल हो गए गुजरे हुए। 2003 में 5 जून को वे गुजरे थे और तब से मेरे साथ नाइंसाफी हो रही और कुछ भी मुझे खाने को नहीं दे रहे, कुछ नहीं। एक कुटिया दे रखी है, छोटा सा एक कमरा है, टूटा फूटा, इसमें मैं अपना गुजारा कर रही रह कर। और सब परिवार वालों ने भी मेरे से नाता तोड़ लिया और सब जमीन जायदाद मेरी सारी कब्जा ली। और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, 14 साल हो गए मुझे तड़पते हुए, ना थाने कचहरी में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो भी अपना मन मेहनत मजदूरी करूं वही सब लगा दूं, पेट के भी पता नहीं कैसा कैसा मैं अपना गुजारा करी, दो रोटी अपने माई कैसे ला कर खा रही कैसे खा रही। ना कोई बच्चा है, ना कोई सारा, छोटा बड़ा कोई नहीं है, ना सास ना ससुर कुछ नहीं है। बस इस जेठ ने सब कुछ मेरा कब्जा लिया। शिकायत तो मैंने आज ही सभी जगह करी कोर्ट में, तो मैं उसी दिन से फिर 14 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैक लगा दे अपनी, पैसा है उसके पास, पैसा दे के सबका मुंह भर दे। और उसके लड़के ने भी मेरी बहुत पिटाई करी, उसने भी बहुत पिटाई करी और उसकी घरवाली ने भी मेरी बहुत पिटाई करी। कपड़े तक पाड़ दिए थे, गला घोट दिया और मेरा बाथरूम तक भी निकल गया था, अधमरी कर दी थी बिल्कुल। फिर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस को बहुत बार बता लिया, बहुत थाने में भी गई, मंगलोर थाने में कई बार गई मैं, कोई पैरवाई, पुलिस कोई पैरवाई नहीं कर रही। तो इसका बापा पटवारी था, वो पटवारी हो, वो इतना बेशरम रहा, 2 महीने जेल काट गया, बोला उनको का इतना मरते ही सुनील के मरते ही इसकी बहन ने भी और इसके पिता से पूरे बहुत जुड़ा, मारते पीटते भी थे बहुत। हाँ मारते पीटते, हाथ फोड़ दी थी, लमडे मारा था, मुक्का मारा था। और जब मेरा देता, मेरे देते ने छुटाया तो मेरे देते का नाम लिखवाया, देता रुड़की जाएगा तू तो मान क्या दे रही। 10-12 बीघे जमीन है ना, उसे तो ये हो गया बेच कर छोड़ ली देगी, भला कौन किसी को दे न बताओ तुम। वहीं रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित से जब इस बाबत जानकारी ली गई तो उन्होंने आनन फानन में नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दे दिए। हमारे संज्ञान में आए हैं और इसमें हमने लोकल जो लेखपाल हैं और जो पुलिस के उनको भी आवश्यक जांच के निर्देश देने के लिए कहा गया है। अगर गलत तरीके से जायदाद अपने नाम पे कराई है और तो फिर वो तो उसके लिए कार्रवाई होगी। साथ ही महिला की अगर भरण पोषण तथा पालन में भी अगर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो हम हर आवश्यक मदद उनको पहुँचाएंगे। जो भी योजना में वो क्वालिफाई करते हैं, जो उनकी नीड है, जिस तरह से वो उनको अगर जिस भी योजना में उनको सहायता प्रोवाइड कर सकती है, हम ब्लॉक को भी निर्देशित करेंगे कि वो उनके फॉर्म भरा के शीघ्र ही कार्रवाई करें। अगर छूटा हुआ है तो इंद्रावास में उनको जो भी हमारी स्कीम्स है उसके उनका लिस्ट करना जी नाय और नायब तहसीलदार लेवल पे जांच कराई जाएगी। अब देखना यह है कि विधवा पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।